फ्रेंड्स, मदर्स प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। कई बार शाम को मन करता चटपटा खाने का और बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ बेबी कॉर्न चाट। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चे भी खा लेते हैं। मेन बात ये होती है बच्चे भी खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। बेबी कॉर्न चाट बनाने के लिए आपको बाजार से बेबी कॉर्न रेडीमेड मिल जाएंगे। मैंने पैकेट वाले लिए हैं, उसको मैंने बिसल लगाई हुई, 4-5 बिसल कुकर में लगाई हुई है इनको, क्योंकि सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। ये देखो ऐसे करना है तो आपको 4-5 बिसल लगानी ही पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने बिसल से, आप लोग स्टीम भी कर सकते हो लेकिन बिसल से ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए आप लोग बॉयल भी कर सकते हो। तो चलिए ऐसे सॉफ्ट करना है तो मैंने इसको एक बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किचन के रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रखे हैं, आप उस पर जाकर ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो फिर अभी मैंने स्पाइसेस ऐड किए, अपना नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और आपको जो जो आपके पसंद है, और ये मैं लास्ट में चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, यही डालने हैं और मैं ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। आप लोग हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, मेरी बेटियों ने खाना है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग इसमें केचप ऐड करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा। अगर मिर्ची भी होगी थोड़ी बहुत तो इससे मीठापन आ जाएगा, जिससे हमारे बच्चे भी खा पाएंगे आसानी से। तो केचप ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना। अब लास्ट में हमें ऐड करना है लेमन। लेमन का रस ऐड जरूर कीजिए, इससे बहुत टेस्टी फ्लेवर चटपटा सा बनेगा। तो बस लेमन ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा बिल्कुल चाट रेडी है, बेबी कॉर्न चाट बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं इसको, प्लेटिंग करते हैं इसकी कि कैसा लग रहा है हमारा चाट। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने एक कप टाइप के गिलास में ऐड किया, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मॉल वगैरह में भी तो ऐसे ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग घर बैठे भी अपना इन्जॉयमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।